सीहोर में बड़े दिनों बाद वन माफियाओं पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। वन विभाग ने सागौन की लकड़ी का अवैध परिवहन करते महिंद्रा बुलेरो पिकअप को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र लाड़कुई के प्रेंच पिपलानी और ग्राम सिराड़ी के बीच वन अमले को बुलेरो पिकअप आता दिखा, रोककर तलाशी ली गई तो अंदर सागौन के लट्ठे बरामद हुए। वन विभाग ने वाहन को जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। स्टाफ द्वारा जब्त कर लिया गया और उसमें भारतीय वन अधिनियम 1927 और मध्य प्रदेश वनोपज व्यापार विनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर दिया गया और प्रकरण अभी जांच में है। जब्त लकड़ी का मूल्य लगभग 50,000 के आसपास है और वाहन का मूल्य 8 लाख रुपए के आसपास है। क्या कार्रवाई की जाएगी? वाहन को राजसात की प्रक्रिया के लिए हम आगे कर भेज देंगे और अभी इनकी और जो आरोपी हैं उनसे और थोड़ी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।